तो दोस्तों ये जो पैंट है डबल टेकिंग की है, ये देख लीजिए। अगर इसका आप कटिंग वीडियो नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसको मैं करूँगा पेस्टिंग। इसको किस तरीके से तोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा मेन यहीं पे होता है दोनों टेकिंग को तोड़ना। और इसको हम पेस्टिंग, इसका जो बेल्ट होता है वो भी चाइनीज़ बेल्ट कटिंग करेंगे, किस तरीके से कटिंग करते हैं। और इसका स्टिचिंग का भी सिलाई का वीडियो स्टेप बाय स्टेप आना होता है, वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप सीखना चाहते हो डबल टेकिंग की पैंट। तो ये देखिए, यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इसको इस तरीके से, ये जो है ना पार्ट, इसको सेंटर में, सेंटर टेकिंग तोड़ने के लिए देखिए इस तरीके से आप करोगे। और ये जो प्लेट है फर्स्ट, जो ये आपको कुटका दिख रहा है, ये वाला जो कुटका दिखा है यहाँ पे, ये जो मार्का दिख रहा है यहाँ पे, ये फोल्ड आएगा क्योंकि वो बीच सेंटर में ही वो मार्का लगा हुआ है। तो इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक। ये देखिए इस टेकिन पे, फर्स्ट टेकिन पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये मेरा सेंटर को आ जाएगा। अब यहाँ से इसको इस तरीके से यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये नीचा तक मेरा जो क्रीच है ये नीचे की तरफ चल जाएगा, बिल्कुल नीचे तक जाएगा। और क्रीच बनाए रखने के लिए आप जो जिस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा क्रीच बनता है। तो आप जो इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर से इस तरीके से रख ले ताकि अच्छे तरीके से क्रीच बन पाए। मैं जिस तरीके से ये पेस्टिंग कर रहा हूँ और जिस तरीके से इसका सिलाई करेंगे, उस तरीके से आप सेम टू सेम कॉपी करेंगे तो आप पैंट सीना डबल टेकिंग की आप सीख जाओगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से, इसके बाद एक टेकिंग छोड़कर दूसरे टेकिंग के पास इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए सेम जितना यहाँ पे है ना, ये देखिए यहाँ पे देख लेंगे कितना दूरी है, तो 3 इंच का दूरी है, तो यहाँ भी 3 इंच का दूरी रहना चाहिए। तभी जो है इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये प्रेस कितना करेंगे, लगभग ये देखिए यहीं तक करेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये जितना कट हुआ है ना फ्लाई, इससे लगभग 3 इंच 4 इंच नीचे तक हम इसको तोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, आप देख पा रहे हो किस तरीके से रखे हैं। और हल्का मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ देखने में आप सभी को आसान होगा। तो ये देखिए मैं दिखा दूँ कि ये देखिए एक कुटका यहाँ नज़र आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। तो इस कुटका को इस कुटका पे इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। इसको अब इस तरीके से बैठा देना है, ये देखिए इसको हमने क्या किया कि यहाँ पे बैठा दिया। अब सेम ये जो आप देख रहे हो ये मेरा कुटका रहा यहाँ पे इसको इस तरीके से बैठा लेना है। अब इसको इस तरीके से तोड़ लेना है, फिर जो है मेजरमेंट करके दिखाएंगे कि कितना कमर है तो ये कितना आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें इसमें सिलाई के मार्जिन 1 इंच दिया हूँ, तो 8.5 34 का चौथाई बार करेंगे तो 8.5 आया, और इस सिलाई का मार्जिन हमने 1 इंच दिया है तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो आपने देखा ये जो टेकिन गिरेगा, ये जो गिरता है पॉकेट, ये देखिए पॉकेट है तो पॉकेट की तरफ ये टेकिन गिरता है। अब इधर से हम इसको साथ ही हम मोहरी को भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ताकि सिलाई करने के बाद मुझे यहीं से तुरपाई करना है ये भी पता होना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब इसको हम साइड में रखते हैं और इस पाला को भी हम क्या करेंगे, तोड़ कर दिखाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। ये देखिए अभी ये हो गया सीधा, अब उल्टा हम इसको फोल्ड करेंगे, ये उल्टा रहा, ठीक है। जो टेकिन गिरती है सीधा में गिरती है, इसको आप इस तरीके से बराबर करेंगे। ये देखिए बैक पलक को हटा कर फोल्ड करेंगे तो आपको दिखने में काफ़ी आसान होगा, दिखेगा नहीं तो समझ में हो सकता है कि नहीं आए। ये देखिए अब दोनों पला देखेंगे, स्किप करेंगे तो अब तो नहीं समझ में आएगा, दोनों पला देखेंगे तो डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। ये पूरा नीचे तक हम क्या करेंगे, पूरा नीचे तक जो है इसका जो भी
काम है नीचे की तरफ तोड़ लेंगे। कितना लोग आधे तोड़ लेते हैं, तो आधा तोड़े उतने ही समय में आप नीचे तक तोड़ लेंगे ना, तो आपको जो सेंटर आता है ना वो बीच का सेंटर बिल्कुल आसान आ जाता है प्रेस मारने के समय। बैठाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये फर्स्ट हुआ। और इसी तरीके से ये देखिए, एक मार्का एक कूट का छोड़कर दूसरे कूट का को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये दूसरा कूट का जो है इस तरीके से जितना यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ रहना चाहिए, और इस तरीके से इसको तोड़ेंगे। फ्लाई से लगभग 3 से 4 नीचा इंच, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये देखिए परफेक्ट, ये उल्टा को हम नीचे रखेंगे। और ये जो मेरा टेकिन आएगा ये पॉकेट के साइड आएगा, तो ये देखिए जितना टेकिन लगाए हैं उतना ही पर तोड़ेंगे तो मेरा परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने मार्का जो लगाया है फिक्स मेजरमेंट करके ही लगाया है। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। अब इसका जो है हम बेल्ट कटिंग करके चिपकाएंगे। इसका बेल्ट कटिंग भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब इसको यहां से हम फोल्ड करेंगे। अब इसका जो है हम बेल्ट कटिंग करेंगे। ये रहा मेरा चाइनीज बेल्ट। सबसे पहले जो हम मार्क लगाएंगे वो 5 इंच का लगाएंगे यहाँ से, 5 के बाद 2.5 इंच का लगाएंगे, 2.5 इंच। इसके बाद जितना कमर है, कमर जो है ये देखिए 34 है, तो 34 के लिए हम 17 पे लगाएंगे, 17 × 34 डबल 2.5 इंची बढ़ती घटाने बढ़ाने के लिए, जितना हमने उसमें बढ़ाया है उतना 2.5 इंची। ये 1.5 इंच एक हो गया फर्स्ट टेकिन। अब इसके बाद जो है इसमें 4 लूपियाँ बैठेगी, कितना 4 लूपी बैठेगी। एक लूपी का हमने मार्का लगा दिया यहाँ 15.5 पे। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कितना इंच पे जो है मेरा मार्का आएगा। यहाँ से ये देखिए 1 फोल्ड हो गया। अब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ से 7.25 आया, तो यहाँ से 7.25 को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब देखेंगे कितना आया, तो ये देखिए ये 4 इंच में 1 सूत कम आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए 4 इंच में 1 सूत कम मार्का लगा देंगे। फिर यहाँ को 4 इंच में 1 सूत कम मार्का लगा देंगे। फिर यहाँ से 4 इंच में 1 सूत कम मार्का लगा देंगे। कितना आसान तरीका है, 1, 2, 3, 4, ये 4 जो है लूपी के लिए है। ये जो है फोल्ड हो जाएगा, या ये जो है मेरा आगे की तरफ जो निकला रहता है जिसमें हुक रहता है वो हो गया, और यहाँ से ये हो गया मेरा 1 लूपी, ये हो गया 2रा लूपी, ये हो गया 3रा लूपी, ये हो गया 4ठा लूपी, जो इधर से 1.5 इंच का हमने डिस्टेंस दे के लगाया है। अब इसको यहाँ से करेंगे कट हल्का, और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। और ये जो फर्स्ट मार्का दिख रहा है, फर्स्ट मार्का से इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट मार्का को इस तरीके से मैं क्या करूँगा, कुटका दे दूँगा। ये जो मेरा दूसरा मार्का है यहाँ भी इस तरीके से कुटका दे दूँगा। दोनों साइड बेल्ट में बराबर बराबर जो है सेंटर पर लगाने के लिए, लूप लगाने के लिए मेरा जगह बन जाएगा, निशान लग जाएगा। इस तरीके से कुटका लगा लेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम चिपकाते हैं। और इसको जो है मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा, ये जो मेरा नीचे से जो कपड़ा बच जाता है इसमें चिपकाऊंगा, आरा में चिपकाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम चिपकाते हैं।
इधर से सिलाई करने के लिए, ढकने के लिए, जो इधर से हम कपड़ा छोड़ेंगे, किस लिए छोड़ेंगे दोस्त? अब अगर आप चाहो तो इधर से ग्रिप भी लगा सकते हो, अगर नहीं तो इसका जो पार हो, जो बगल से कपड़ा बचता है फर्स्ट पल्ला में से कटिंग जो होता है वही मैं लगा देता हूँ। ओके, आप जिस तरीके से लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम चिपका लेंगे। मैंने दोनों साइड जो है इसको साट लिया अच्छे तरीके से, इतना डिस्टेंस से। ये देखिए, एक इंची में एक सूत कम दूरी पे हमने चिपका लिया। आप एक इंची के दूरी पे चिपका सकते हो दूरी देकर, या एक इंची से एक सूत कम भी चिपका सकते हो। इधर से सिलाई होती है सिर्फ, और इसको हम करते हैं कटिंग। और किधर से कितना फोल्ड करना है वो भी मैं बताऊँगा डिटेल्स में। तो वीडियो आप पूरा देखोगे तो डबल टेकिंग की जितने भी अच्छे तरीके से पेस्टिंग होती है आप सीख जाओगे। और इसका जो है स्टिचिंग सिलाई का भी वीडियो आने वाला है। ये जो मेरा कपड़ा है ये देखिए कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये देखिए एक आधा इंच से एक सूत ज़्यादा। अब पौन इंच से लेके आधा इंच तक ये कपड़ा रखे, इससे ज़्यादा ना रखे। इसको भी सेम उतना ही कटिंग कर लेते हैं, इसको हल्का बढ़ा कर ही कटिंग करें। ये देखिए जिसमें हमने 5 इंची एक्स्ट्रा बढ़ाया है, और ये 2.5 इंची एक्स्ट्रा जो है इसको हम इधर से पूरा फोल्ड करेंगे। जिधर से टेकिंग नहीं है उधर से पूरा इस तरीके से फोल्ड कर ले। इधर से आप ये जो डॉट देख रहे हो नोजिस, इससे आधा इतना हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ये क्यों फोल्ड करेंगे आपको सिलाई के समय में समझ में आएगा कि ये फोल्ड क्यों होता है। ये देखिए, अब यहाँ से जो मेरा फर्स्ट वाला टेकिंग देख रहे हो, यहाँ से ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो इसको इस तरीके से वहाँ से तोड़ लेते हैं और इसके ऊपर प्रेस चला लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब इसको हम साइड में रखते हैं। और ये देखिए, इधर से फोल्ड नहीं होगा, सेम इधर से ही फोल्ड होगा सिर्फ। तो ये हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ये आपने देखा, अगर अच्छे से नहीं चिपका हो तो इधर से भी इस तरीके से आप प्रेस कर ले ताकि चिपक जाए अच्छे तरीके से। ओके, तो ये देखिए हमने इसको भी चिपका लिया और इसको भी तोड़ लिया, और बैक में कुछ नहीं करना रहता है। तो पेस्टिंग जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे इसी नाम से सर्च कर सकते हो आर एस फैशन डिजाइनर बुटीक, या आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो फेसबुक पे जाके आर एस फैशन डिजाइनर बुटीक सर्च मारोगे तो वो फेसबुक पेज मेरा आ जाएगा, वहाँ भी आप फॉलो कर लोगे। तो यहाँ से जो भी चीज़ छूटेगा आप वहाँ पर सीख जाओगे, इसलिए आप दोनों जगह जुड़ जाओ, मेरा फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब पर भी। ओके, सेम ही नाम है, आर एस फैशन डिजाइनर बुटीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। इसका कटिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर क्लिक करें और इसका कटिंग का वीडियो आप कंप्लीट देख लें।